हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू की टेस्टी और हेल्दी कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। कचौड़ी, वो भी हेल्दी, कैसे? इसके लिए मैंने आशीर्वाद आटा विद मल्टीग्रेन यूज़ किया है। मैंने 3 कटोरी आशीर्वाद आटा विद मल्टीग्रेन लिया है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसका एक टाइट और स्मूथ डो तैयार करेंगे। आशीर्वाद आटा विद मल्टीग्रेन रिच इन फाइबर्स है, तो ये हमारे गट को हेल्दी रखता है। इससे हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। मैं हमेशा से ही आशीर्वाद आटा विद मल्टीग्रेन यूज़ करते हुई आ रही हूँ। दोस्तों, इस आटे में आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा कचौड़ियाँ बिना ऑयल के आटे के ही बनाती हूँ। तब भी ये डो बहुत अच्छा और स्मूथ बनता है और इसकी कचौड़ियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अब फिलिंग के लिए, मिक्सचर तैयार करने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, उसमें जीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाली है। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि सारा मसाला इसमें समान रूप से मिक्स हो जाए। अब हम एक पूरी बेलेंगे और उस पूरी के अंदर जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया है उसको फिल करके कचौड़ी बनाएंगे। अब इस कचौड़ी को गरम तेल में फ्राई करेंगे। देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी हमारी तैयार हुई है। इस कचौड़ी को आप आलू टमाटर की चटपटी सब्जी के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर खट्टी मीठी सौंठ या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आशीर्वाद आटा विद मल्टीग्रेन से बनी हुई यह कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। थैंक यू।